हेलो भाई लोग, आ चुके हैं और एक नया वीडियो लेकर सोलो लेवलिंग का। और भाई आज मैं जो कि बात करने जा रहा हूँ हमारे एमा और चाही के बारे में। और तो भाई कौन सा कैरेक्टर लेना चाहिए, क्योंकि अभी समनिंग में दोनों कैरेक्टर जो कि आ गया है और तुम लोगों को स्पेशल समन में ही मिल रहा है वो कैरेक्टर जिसमें हाई चांस रेट ऑफ है। तो भाई उसमें से कौन सा लेना चाहिए। और अपकमिंग डेज में हमारे जो कि ऑलमोस्ट 1 या 2 वीक में आ जाएंगे जो कि एलेसिया, तो भाई तुम लोगों को एलेसिया का वेट करना चाहिए या एमा या चाह लेना चाहिए, तो भाई कौन सा लेना चाहिए मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो कि हमारा अभी स्पिन में आ चुका है चाह और जो कि एमा। तो भाई एमा भी फायर टाइप का है और चाह हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक टाइप का है। तो भाई तुम लोग कौन सा लेना चाहिए तो वीडियो इन तक देखना, आज डिटेल कर दूंगा, तुम लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगा जो कि कौन सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और बात करते हैं यहाँ पर चाह की, तो भाई ये चाह वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट है और ब्रोकन भी है। और ऊपर से ये जो एमा है, भाई एमा भी ब्रोकन है। मुझे तो दोनों जो कि हंटर्स अच्छे लगते हैं, तो मेरे पास दोनों हंटर्स हैं जो कि एमा भी है और हमारे पास ये जो चाह भी है। तो भाई चाह अच्छा है या एमा, मैं पहले डिटेल कर देता हूँ। तो देखो भाई चाह में एक एबिलिटी है कि भाई इसमें तुम लोगों को जो कि जैसे तुम लोग इसका एडवांस स्टार अप करोगे, तो ये एडवांसमेंट में स्टार अप करोगे तो भाई इसका क्रिटिकल रेट बढ़ते जाते हैं। और इस जो कि हंटर में तुम लोगों को जो कि क्रिटिकल हाई रखना चाहिए, और इसमें जितना क्रिटिकल हाई रखोगे उतना अच्छा रहेगा। और भाई ये जो चाह है भाई, इसमें तुम लोगों को एक जो कि ओपी सा एक स्किल है जो कि तुम लोग 6-7 बार मार सकते हो एक ही अटैक में। तो भाई वो स्किल में जितना जो कि क्रिटिकल हाई रहेगा उतना अच्छा रहता है, तो चाह ज़रूर ले लेना भाई लोग इफ तुम लोगों को क्रिटिकल रेट और हाई डैमेज चाहिए तो। और इफ तुम्हारे पास ऑलरेडी चाह है तो चाह के अलावा तुम लोग इमा भी ले सकते हो, क्योंकि भाई अभी देखो इमा और चाह दोनों एक डिफरेंट टाइप्स का है। एक चाह है, एक क्रिटिकल नेचर विथ इलेक्ट्रिक टाइप का है, तो भाई तुम लोग इसे जा सकते हो। और इसका एक नेचर है कि भाई तुम लोगों को ये क्रिटिकल डैमेज बहुत हाई देता है, मतलब कि तुम लोगों को ऑलमोस्ट बहुत सारे जो कि टॉप टायर के बॉसेस रहते हैं जितने भी उन लोगों को इजीली मार सकते हो चाह लेकर। और बात होता है भाई हमारा इमा का, तो भाई इमा एक हमारा जो कि ग्राउंड लेवल का जितने भी सारे जो कि स्पाइडर्स वगैरह रहता है, तो वन शॉट में सारे स्पाइडर मार सकते हैं। तो बात है यहाँ पर चाह का, तो भाई चाह में भी एबिलिटी अच्छा खासा है, तुम लोग यूज कर सकते हो। तो देखो ये वाला अटैक जो है भाई, ये जो मैंने मारा अभी द डांस वाला अटैक, भाई ये वाला अटैक तुम लोग रेगुलर स्पैम कर सकते हो 6-7 बार, जो कि इसका एक एबिलिटी है, और 6-7 बार स्पैम हो जाता है ये वाला अटैक। और इसमें जितना क्रिटिकल हाई रहता है भाई बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है, जो कि वन ऑफ द ब्रोकन जो कि इसका एबिलिटी है ये वाला जो कि हमारा द डांस वाला। और ये जो लाइट स्ट्राइक है भाई, ये लाइट स्ट्राइक भी अच्छा है। इसमें से तुम लोगों को जो जो हमारा इनिमी रहता है वो हेल्थ रिकवरी करना नहीं पाता है, तो भाई वो भी अच्छा वाला जो कि अटैक है। और इसका अल्टीमेट अटैक में भी तुम लोगों को इफ तुम्हारा इनिमी का सील ब्रेक हो चुका है, जैसे कि ब्रोकन लिख कर आ जाता है, तो ये वाला अटैक मारोगे तो भाई इतना ज़्यादा डैमेज पड़ता है जो कि तुम लोग बहुत अच्छा खासा डैमेज मिल जाएगा। तो भाई तुम लोगों को अल्टीमेट अटैक इसका बहुत अच्छा मिलेगा। और उसके बाद ये जो हमारे दो डांस वाला अटैक है, तुम लोग 6-7 बार स्पैम कर सकते हो इस वाले अटैक को जब तुम लोग अटैक करोगे तो। तो ये चाह का वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी है, और उसके बाद इसका अल्टीमेट अटैक में भी बहुत ज़्यादा जो कि डैमेज पड़ता है, तो तुम लोग चाह के लिए एडवांसमेंट करना पड़ेगा जो कि लेवल 1, 2, 3 स्टार भी करना पड़ेगा। तो इफ तुम्हारे पास चाह है तो भाई ऑलमोस्ट 3 स्टार करके रखना अभी, क्योंकि भाई 14 डेज बाद हमारे एलेसिया आने वाला है, और एलेसिया भी शायद हम लोगों को एक ब्रोकन ही हंटर देंगे, वो भी स्टार का ही होंगे, तो भाई खतरनाक ही रहेगा शायद। और भाई अच्छे है, दोनों तुम लोग ले सकते हो, या चाह को 3 स्टार करके रखना, क्योंकि चाह का जो कि हम लोग को विश लिस्ट में भी आने वाला है, तो विश लिस्ट से भी निकाल सकते हो वहाँ पर से, अपकमिंग डेज में आ जाएंगे शायद। और बात आता है जो कि हमारा इमा का, भाई इमा भी मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट है, और इसमें भी भाई बहुत अच्छा खासा एबिलिटी है जो कि तुम लोगों को ग्राउंड लेवल में जितने सारे स्पाइडर्स वगैरह रहता है भाई वन शॉट में तुम लोग सारे के सारे मार सकते हो। और भाई बहुत सारे ऐसे मिशंस है कि भाई तुम लोगों को इमा जैसा करेक्टर जो कि चाहिए जो उस मिशंस को करने के लिए, क्योंकि भाई उस मिशन में तुम लोगों को ऑलमोस्ट बहुत सारे स्पाइडर्स रहते हैं, और विथआउट डैमेज जो कि तुम लोगों को विथआउट डैमेज तुम लोगों को क्लियर करना पड़ता है। तो भाई इमा का एक एबिलिटी है कि भाई एक जो कि बेसिक स्किल है वो विथआउट डैमेज तुम लोग मार सकते हो। और भाई एक ये जो हमारे ये जो इमा है, इसका भाई एक टाइप का ब्रेकर ही है, ये सील ब्रेक वगैरह करती है,
तो भाई वैसे ही हम लोगों को चा में नहीं मिल रहा है, ये चा में ब्रेकर कुछ ब्रेक नहीं करता, ये इसका क्रिटिकल नेचर है चा का। पर भाई बात होता है हमारा इमा का, तो भाई इमा एक वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका अटैक सारे अटैक में तुम लोगों को सील ब्रेक वगैरह मिल जाता है, और ये वाला अटैक है इसमें भी तुम लोगों को ब्रेक मिल जाता है। देखो शॉर्ट ऑफ रिवेंज में भी ब्रेक थोड़ा बहुत मिल जाता है, और उसका जो कि बेसिक अटैक में सेकेंड अटैक जो है मैं नीचे दिखा दूंगा, वो भी बहुत ओपी है भाई। जितने भी ग्राउंड लेवल का तुम लोगों को इनिमेज मिल जाता है सारा का सारा वन शॉट हो जाता है ऑलमोस्ट, और तुम लोग यूज़ कर सकते हो। तो ये जो फ्लेयर स्ट्राइक है इसमें भी बहुत अच्छा खासा एबिलिटी है, तुम लोग डैमेज अच्छे खासे दे सकते हो। और बात होता है ये वाला अटैक भाई पूरा ग्राउंड लेवल, जितने भी ग्राउंड में जो हमारे इनिमेज रहता है जैसे स्पाइडर वगैरह, तो तुम लोग वन शॉट कर सकते हो। ये वाला एबिलिटी बहुत ओपी है एमा का, और इसमें बर्निंग इफेक्ट भी देता है, तो भाई बर्निंग इफेक्ट वाले इनिमी के ऊपर ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, तो यहाँ पर 10% डैमेज पड़ेगा बर्निंग इफेक्ट के बाद जो कि इनिमी के ऊपर। और उसके बाद हमारे बहुत सारे जो कि नीचे वाले भी स्किल्स हैं, तो इसका स्किल्स में मुझे जो कि बेसिक अटैक इसका सेकेंड वाला बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये जो हमारा जो कि स्पेशल स्किल है, स्पेशल स्किल में भी बहुत कुछ है भाई। इसमें भी डैमेज इनक्रीज पेनिट्रेट बाई 7.7%, मतलब कि हीट एमिजन, और भाई बहुत कुछ जो कि इफेक्ट देता है जो कि इनिमी के ऊपर, और अच्छे अच्छे अटैक है भाई, तुम लोग एमा भी यूज़ कर सकते हो। और जो हमारे स्पाइडर वाले मिशन होते हैं तो भाई एमा यूज़ करके अच्छे खासे डैमेज दे सकते हो। और इसका अल्टीमेट अटैक में भी जो कि बहुत खतरनाक सा हीट एलूजन होता है, और तुम लोगों को ज़्यादा डैमेज पड़ेगा इस ओपोनेंट के ऊपर हीट एमेजन इफेक्ट है तो, और अच्छा है भाई ये एमा भी। तो तुम लोग को पहले तुम लोग जाना जो कि हमारे चाई के लिए, चाई ब्रोकन है और एमा भी ब्रोकन है, पर लोग यूज़ नहीं करते इसे ज़्यादा, तो भाई जाना चाही के लिए भाई, चाही वन ऑफ द बेस्ट है। और इफ एमा चाहिए तो भाई एमा को जस्ट सपोर्ट के लिए तुम लोग रख सकते हो, मैं जैसे आगे दिखा दूंगा मैंने भी एमा को रखा है, तो वैसे ही तुम लोग भी एमा को रख सकते हो। और ये जो चाही है भाई, चाही का जो कि क्या कौन सा आर्टिफैक्ट लगाना चाहिए वो मैं बता दूंगा भाई लोग, तो वहाँ से भी तुम लोग देख लेना। तो यहाँ पर जो कि हमारा देख सकते हो जो लॉर्ड ऑफ द इंड है, ये इसका अटैक है, और ये दोनों अटैक जो कि तुम लोग लेवल ऑफ हाई करके रखना, जो कि हाई डैमेज देगा और क्रिटिकल भी अच्छा खासा देगा, तो ज़रूर हाई जो कि अटैक करके रखना और अच्छा खासा डैमेज देगा भाई चाही, तुम लोगों को चाही लेना चाहिए। और उसके बाद और भी जो कि हमारे और भी एमआर जो है भाई, एमआर भी अच्छा है, तुम लोगों को मैं आगे दिखा दूँगा, मेरे अकाउंट में दोनों हैं और मैंने एमआर को जो कि फोर्थ स्टेज में रखा है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास चाही है और एमआर भी है, तो भाई मैं चाही को अभी फर्स्ट में रखा हूँ और एमआर अभी उतना अपग्रेड नहीं किया हूँ, पर भाई सपोर्ट के लिए रखा हूँ, कभी यूज हो जाता है जो कि मिशंस वगैरह में। और इसमें भाई मैं रैंडम आर्टिफैक्ट्स लगा के रख देता हूँ, जितने भी रैंडम आर्टिफैक्ट्स रहता है मेरे पास इसी में यूज़ कर देता हूँ। और मैं आगे जो कि हमारा चाही का आर्टिफैक्ट कौन सा लगाना चाहिए तो बेस्ट रहेगा तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो देखो भाई ये वाला जो आर्टिफैक्ट्स है ये वाला ज़रूर लगाना जो कि बेस्ट है उसके लिए, और क्रिटिकल जो कि क्रिटिकल भी 32% दे देता है, तो वो वाला ज़रूर लगा लेना भाई लोग। तो तुम लोगों को कौन सा अच्छा लगा, चाही चाहिए या तुम लोग एमा चाहिए, तो भाई चाही के लिए जाना फर्स्ट स्टार्टिंग में, उसके बाद एमा के लिए जाना, और नहीं तो भाई 14 डेज बाद हमारे एलएसी आ रहा है उसके लिए भी जा सकते हो। तो भाई आज का वीडियो कैसा लगा बताना और कमेंट डाउन करना भाई लोग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।